आज हम जानेंगे माता हरसिद्धि के सबसे प्रसिद्ध मंदिर की पौराणिक कहानी। देश भर में हरसिद्धि देवी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन स्थित हरसिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन है। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है, उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी हैं। कहते हैं कि यह मंदिर वहां स्थित है जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी, अतः इस स्थल को भी शक्ति पीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ शीर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के शीर बतलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार शीर वापस आ जाता था। 12वीं बार शीर नहीं आया तो समझा गया कि उनका शासन संपूर्ण हो गया। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था। वैसे यह देवी वैष्णवी है तथा यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई जाती। हरसिद्धि मंदिर की चार दीवारी के अंदर चार प्रवेश द्वार हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। द्वार पर सुंदर बंगले बने हुए हैं। बंगले के निकट दक्षिण पूर्व के कोण में एक बावड़ी बनी हुई है, जिसके अंदर एक स्थान है। यहाँ श्रीयंत्र बना हुआ स्थान है। इसी स्थान के पीछे भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगा हुआ सप्त सागर रुद्र सागर तालाब है, जिसे रुद्र सागर भी कहते हैं। रुद्र सागर तालाब के सुरम्य तट पर चारों ओर मजबूत प्रस्तर दीवारों के बीच यह सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर के ठीक सामने दो बड़े दीप स्तंभ खड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष नवरात्र के दिनों में 5 दिन तक इन पर दीप मालाएं लगाई जाती हैं। मंदिर के पीछे अगस्तेश्वर का प्राचीन सिद्ध स्थान है, जो महाकालेश्वर के भक्त हैं। मंदिर का सिंहस्थ 2004 के समय पुनः जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर के संबंध में पौराणिक कथा है। कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दो दैत्यों ने अपना आतंक मचा रखा था। एक बार दोनों ने कैलाश पर कब्जा करने की योजना बनाई और वे दोनों वहां पहुंचे। उस दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर धुत क्रीड़ा में निरत थे। दोनों जबरन अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर ही शिव के नंदीगण ने उन्हें रोक दिया। दोनों दैत्यों ने नंदीगण को शस्त्र से घायल कर दिया। जब शिव जी को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। देवी ने आज्ञा पाकर तत्क्षण दोनों दैत्यों का वध कर दिया। फिर उन्होंने शंकर जी के निकट आकर विनम्रता से वध का वृत्तांत सुनाया। शंकर जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंडी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः लोक ख्याति में आपका नाम हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी तो इस महाकाल वन में हरसिद्धि विराजित है। भक्ति से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें।